ऐसे साड़ी पहनती हैं, आपका पेट दिखता है, तो बताइए साड़ी में पेट नहीं दिखेगा तो किस में दिखेगा? हर महिला साड़ी पहनती है, सबका दिखता है। अभी एक बुजुर्ग जाएगी तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग जाएंगे वही साड़ी पहन के तो कोई भी बोले। लाइट ऑफ करके बारे लटराज कमर करे लच 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 सुंदर बानी तो हमार का दोस्तबा, सुंदर बानी तो हमार का दोस्तबा, आधा पटाए आधा देख के बेहोशबा। आपका शादी हुआ हो? नहीं लगता है, ये तो बात है, नहीं लगता है किसी को, नहीं लगता है। मांग में से दो लगे तो लग जाता है, वो भी बोलता है लोग, आजकल तो फैशन चल रहा है सिंदूर लगाने का, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शादी हुआ भी या नहीं हुआ। खाली बत्तिया से पेट नहीं भरी ये बलम जी, धरी को रवा मियोरी कुछ करी ए बलम जी। सबसे पहले प्रिया जी आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम सभी को। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप मेरे से मिलने गोपालगंज से चलकर सिवान तक आए हैं, वो भी इतनी गर्मी में, इतनी धूप में। अरे तो आप तो इतना गर्मी में खड़ा है, ये तो हाँ कम, तो बात है। कम बात है, बिल्कुल कम बात है। आप लोग इतना दूर से आ रहे हैं मेरे लिए, तो मैं तो सिवान की हूँ, मेरा तो घर ही है यहाँ पे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये कब से नाच गान के शौक लागे वाला, कब से नाच गान करे लगनी? देखिए, नाच गान का शौक नहीं था, सिंगिंग का शौक था, तो सिंगिंग के लिए आई थी सोशल मीडिया पे। लेकिन जैसे होता है ना कि एक डांस भी इंसान कर लेता है खुद के गाने पे, तो गाना सुन रहे थे तो डांस की एक ऐसे वीडियो मेरा वायरल हो गया। कौन सा गाना था? पवन सिंह का कोई बहुत पुराना सॉन्ग था। अच्छा, गलिया के चूमे कौन बोलिया ना, ये तो हम उन पवन सिंह को सुनाए थे एक दौरान। हाँ, कौन तो सा ये था? वो गाना याद नहीं आ रहा है, वो गाना जिस पे वायरल हुआ वो गाना याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो गाना ये वाला तो दूसरा गाना है, सुनाए थे। तब से हम बोले कि एक बार एक वीडियो वायरल हो सकता है तो सब हो सकता है। अच्छा। डांसिंग वायरल होगा तो सिंगिंग तो अपने आप हो जाएगा, डालूंगी। अच्छा। तो आज इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं आपके? ये 2 लाख प्लस है। 2 लाख प्लस? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये मतलब कब से शुरुआत आपने की इंस्टाग्राम पे नाचने गाने का? मतलब आपके घर का लोग डांटता मारता नहीं है? हम शुरुआत किए हैं, ये 1 साल हो गया हमको शुरुआत किए हुए। घर का लोग में डांटता है लोग, लेकिन मेरे पति सपोर्ट करते हैं, मम्मी सपोर्ट करती हैं, पापा को नहीं पता। खाई अपना पियवा के कमाई लजाई का है ना? सही बात है, लेकिन लजाना पड़ता है पापा से। पापा के रसे? पापा जी से, मेरे पापा से। अच्छा, ये ना नु 24 घंटा घूंघट में अम्मा जी हम रहे ना? नहीं, अम्मा जी हमारे हाला ही नहीं की, तो वही से घूंघट रहबे नहीं की, शौक हमारे शौक में रह मरती शौके में रह गई, जाके कहती कि 24 घंटा घूंघट में अम्मा जी हम रहेम का है। अच्छा अच्छा, तो यही से तो मतलब गर्दा उड़ाओ तो नहीं, पति का सपोर्ट मिलता थे, है? हाँ, पति के सपोर्ट मिला था तो इसे गर्दा उड़ावा था नहीं, का करे। पति के बस इतना तक सपोर्ट बाटे कि तू वीडियो बना सके लू, तार हर कदम पे हम साथ दे। लेकिन जहाँ तक प्यार दुलार के बात बात, आज हम यहाँ तक आयल बनी तो पब्लिक के वजह से, अपन फैंस के वजह से, वो लोग प्यार आदित लोग तो का ही होते, वो लोग से ना मिलती आज, वो लोग ना हमरा से मिल पाते। अच्छा अच्छा, एक बात बताई कि कहाँ तक पढ़ाई कोयले बने? हम सिवान से तो 10 क्लास कर ले बानी, बाकी पंजाब रिम्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ले बानी पंजाब से। अच्छा, जो आप शादी कब हुआ आपका? इतना कम उम्र में शादी कर ली है? हाँ, शादी हो गया। किसी को लगता नहीं हुआ कि आपका शादी हुआ हो? नहीं लगता है, ये तो बात है। हा? नहीं लगता है किसी को, नहीं लगता है। मांग में से दो लगे तो लग जाता है। वो भी बोलता है लोग, आजकल तो फैशन चल रहा है सिंदूर लगाने का, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शादी हुआ भी या नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप दर्शक लोगों को बता दी कि शादी हुई बगैर? मेरा शादी हो गया है और मेरा एक बच्चा है 3 साल का होने वाला है, और एक बेबी होने वाला एक और है। देख ली कि अब क्योंकि लागी ना कि शादी यहाँ के भइल बटे, लेकिन एगो बच्चा भी बा, एगो बच्चा भी होके वाला बा का? हाँ, तो क्योंकि लागत ना, अभी लागत नहीं लगेगा। देखिए 16 साल के नहीं, लेकिन 16 प्लस बानी। लेकिन हाँ, बच्चा शादी हो गई बा तो बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाइए सन, कहे की आगे लाइफ में बहुत कुछ करे बा, बचवा बड़ हो जाइए सन, तो बच्चा अपन पढ़िए सन, हमनी के फ्री पति पत्नी, ओकरे बाद सिंगिंग करेंगे बा, नाच गान में कोने। अच्छा, वो दर्शक लोग तन गाना सुनाई तो संगीत सीखे नहीं? हां, संगीत सीखे गाना सुनाई ना तन दर्शक लोग तन खुश हो जालो। हिंदी की भोजपुरी? भोजपुरी सुनाती, भोजपुरी के लोग दर्शक बात है, भोजपुरी नहीं सुनाए? नहीं, वो भोजपुरी जूम करो बाबू। खाली बत्तिया से पेट नहीं, हो खाली
बतिया से पेट नाही भरी ये बलम जी, धरी को रवा मियोरी कुछ करी ए बलम जी। बलम जी तरह देखो तन लेकिन आवत नहीं की ना उना आवे नहीं मैं कहना देखा नहीं ना वो आई भी ना करे नहीं हाँ। साथ में वीडियो भी ना बनावे नहीं कहे नहीं बना लेंगे कहे नहीं ना हमरा हमरा नहीं आवे के साथ मैं कहना चीज ना देखा नहीं ना भी नहीं नाच ना देखा नहीं वहाँ के नाच नहीं ना वहाँ के ना मैंने कि कब नाच करके दिखाई है हमको वो जैसे कि कभी मैं उनसे गुस्सा हो जाती हूँ ना तो एक एक्टिंग करके दिखाते हैं डांस का है वो मेरे को बस दिखाते हैं और किसी को नहीं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उससे रैबी टाइप का जैसे खरगोश का होता है ना उस टाइप का मुझे ऐसे बच्चों की तरह करके दिखाते हैं बस वही उनको डांस आता है। अच्छा वही आपको अच्छा लगता है? हाँ वो हमको बहुत अच्छा लगता है फिर हम हंस देते हैं सारा गुस्सा गायब हो जाता है। अच्छा कितना कम उम्र में आपकी शादी हो गई थी? 14 साल था टेनिंग तो की थी उस टाइम 14 साल की उम्र। अच्छा 14 साल की उम्र में शादी कर लिया? हाँ शादी पर नहीं लिए थे शादी मतलब अब देखिए हो जाता है आजकल सबका हो जाता है। अच्छा जिसका मम्मी पापा कर देता है तो हो ही जाता है। अच्छा तो मतलब आपका लव मैरिज शादी था? लव जो बोल लीजिए लव बोल लीजिए चाहे अरेंज बोल लीजिए मतलब प्यार की उसके बाद शादी हुआ आपका? अभी घर वाले नहीं प्यार नहीं किए थे लड़का पसंद आ गया था तब प्यार किए थे सबको घर वालों को। अच्छा अच्छा तो लव भी बोल सकते हैं अरेंज भी बोल सकते हैं जहाँ प्यार है वहाँ तो लव बोल ही देंगे जी। अच्छा आपके पति मतलब आप जैसा चाहती वैसे पति आपको मिले हैं? हाँ जैसा चाहते जैसन सोचलर नहीं वैसे पियो मोर बड़े बिल्कुल का? जैसन सोचले रहनी वैसे ने पियो मोर बारे सावर ना गोर बारे। अच्छा तो सही में गोर बड़े हाँ। अच्छा जो आप कहती हो मानते हैं? सब मानते हैं। अच्छा कुछ कुछ नहीं भी मानते हैं खड़ूस टाइप थोड़ा सा खड़ूस पर दिखा देते हैं कभी कभी अपना असलियत दिखा देते हैं कभी कभी असलियत क्या है सरकारी ऑफिसर हैं? इनकम टैक्स में है सरकारी ऑफिसर है। आपके पति? जी। तो ये पति सरकारी ऑफिसर आप पत्नी कहीं ना कहीं नाच गान कर रही हैं लोग बुरा नहीं कहता है आपको? लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं जो लोग पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में लेते हैं जो लोग निगेटिव है वो निगेटिव में बोलते हैं तो लोगों पे हम जाएंगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो मैं देख चुकी हूँ क्योंकि बहुत बार मुझे कमेंट में ऐसा ऐसा गालियाँ मिला ऐसा ऐसा बातें मिला जिससे मेरा पूरा हौसला ही टूट गया था। 6 महीना तक मैं वीडियो नहीं डाली थी अभी 6 महीना बाद जब मैं सिवान आई अभी पंजाब से तभी वीडियो डाली। मतलब इतना खराब खराब आपको गाली दिया लोग आपका हौसला तोड़ दिया लोग उसके बाद नाच गाने आप सिर्फ दुखी हो गए होंगे? बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे लेकिन तब मेरे हस्बैंड बोले कि जाके तुम किसी भी एक्ट्रेस का कमेंट पढ़ लो चाहे जो क्रिएटर है एक्ट्रेस है जो भी है सबको गाली आएगा क्योंकि देखो तो अगर लवर्स अच्छा, है हाँ, तो हेटर्स भी हैं ऐसे तो हम लोग हाँ तो तब समझ गए कि सही बोल रहा है अब सबको इग्नोर कर देती हूँ अपना काम पे ध्यान देती हूँ। अच्छा अब कहीं ना कहीं तो पति तो आपके बहुत सपोर्टिव निकले? हाँ निकले सही बात है नहीं तो उस टाइम जैसे मैं मतलब छोड़ दी थी अब मैं तो रोने लगी थी कि लोग मुझे किस नजरिए से देखते हैं गंदा नचनिया बजनिया के नजर से नचनिया नहीं मतलब बोल रहे थे लोग कि आप ऐसे साड़ी पहनती हैं आपका पेट दिखता है तो बताइए साड़ी में पेट नहीं दिखेगा तो किस में दिखेगा हर महिला साड़ी पहनती है सबका दिखता है अभी एक बुजुर्ग जाएगी तो कोई नहीं बोलेगा लेकिन हम लोग जाएंगे वही साड़ी पहन के तो कोई भी बोल पता होगा लोग थोड़ा सा फूल बांध ब्लाउज पहनिए ऐसा ऐसा करिए वैसा करिए। अब देखिए ये तो हम लोग का मर्जी है हम क्यों फूल पहनेंगे हम लोग को गर्मी लगता है पहन लेते हैं सर्दियों में तो नहीं पहन के निकलते हैं गर्मी में ही पहनते हैं हम लोग तो। अच्छा एक बात बताइए इतना सुंदरता ये सुंदरता का राज क्या है आखिर में इतना सुंदर सही में सुंदर है क्या आपको नहीं लगता है क्या? नहीं हमको तो नहीं लगता है तो कौन सा क्रीम वीम खाते हैं कौन सा चौकी का आटा खाते हैं बोरी का आटा खाती हूँ बोरी का तो सब कोई आटा खाता है चौकी का पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है कौन सा चौकी से आता नहीं पता है। कौन सा क्रीम यूज करती हैं कितना सुंदर मैं तो लोटस का यूज करती हूँ। अच्छा इसीलिए सुंदर है इतना नहीं बस ऐसे ही सुंदर तो पता नहीं सुंदर बानी तो हमार का दोस्त बा आधा पटावा आधा देख के बेहोश बा सुंदर बानी तो हमार का दोस्तबा सुंदर बानी तो हमार का दोस्तबा आधा पटाए आधा देख के बेहोश बा। अच्छा जो भी बिहार के दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मैसेज दीजिएगा और आपको जो प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं चाहे इंस्टा हो चाहे फेसबुक हो उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा और अपना आईडी बताते जाइए दर्शकों को।
मेरा नाम प्रिया पंडित पर्सनल है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग के अंदर जो भी हुनर है, डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी, वो सब आप लोग आइए, और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग अपना टैलेंट दिखाइए और ऐसे ही हमारे तरह फेमस होकर, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे ही फेमस हो जाते हैं। और अपना लाइफ आप जिस चीज़ में बनाना चाहते हैं, आपका भगवान साथ देंगे और आपका मेहनत साथ देगा, तो ज़रूर बन जाइएगा लोग। अब ये मत सोचिएगा कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो फिर तो या तो आप समाज का ही देख लीजिए या तो अपना जिंदगी ही देख लीजिए कि क्या करना है। समाज का देखिएगा तो हाँ, समाज का देखिएगा तो आज ये यहाँ तक नहीं आ पाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा चलिए, लाइट ऑफ करके, लाइट ऑफ करके बाहरे लटराच कमर करे लच 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 कमर करे लच 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 चला 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 चला। हमारे साथ प्रिया पंडित थी, इनके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, और प्रिया पंडित के बारे में आपकी क्या सोच है, आप क्या इनके बारे में सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।